गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड एट योर होम। आई छवि गुप्ता वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। इन दिस सेशन वी विल डू अ न्यू चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। नाउ व्हाट यू मीन बाय अ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या होता है क्लास? आपने देखा है कि एनिमल्स से न्यू एनिमल्स प्रोड्यूस होते हैं। कैट कैट को बर्थ देती है, डॉग डॉग को बर्थ देता है, काउ काउ को बर्थ देती है, ओके, कॉकरोच से कॉकरोच आता है, ह्यूमन बींग्स से ह्यूमन बींग्स आते हैं। फाइन, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन, जहाँ पे एक पेरेंट से एक नया ऑफस्प्रिंग आ रहा है, नया डॉटर आ रहा है, नया चाइल्ड आ रहा है, न्यू चाइल्ड आ रहा है, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग राइज टू एन ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मीन्स न्यू चाइल्ड। ओके, सो व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन? अब न्यू चाइल्ड आने की जरूरत क्या है? सो दैट कैट की स्पीशीज ख़त्म ना हो जाए, डॉग की स्पीशीज ना ख़त्म हो जाए। लाइक आप सबने देखा है डायनासॉर्स ख़त्म हो गए। अगर डायनासॉर्स रिप्रोड्यूस करते, नए डायनासॉर्स बनाते, तो वो ख़त्म नहीं होते। सो अगर उन्होंने रिप्रोड्यूस किया होता, अपने न्यू चाइल्ड्स दिए होते, तो वहाँ पर डायनासॉर्स की स्पीशीज ख़त्म नहीं होती। सो वी नीड दैट की रिप्रोडक्शन में आपका कभी भी कोई स्पीशीज ख़त्म ना हो जाए। सो रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर दैम। सो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अ स्पीशीज। स्पीशीज मीन्स वेराइटी। ओके, सो इन दिस वी विल सी वी हैव टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्शुअल रिप्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज अ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन? असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मीन्स दैट वेयर ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। वन पेरेंट मीन्स यू हैव बोथ मदर एंड फादर, बट इन दिस वी हैव ओनली वन पेरेंट, either mother or father, okay? So जहाँ पर भी एक single parent होगा, that is known as asexual reproduction। जहाँ पर एक single parent से नए daughters आ रहे हैं, नए daughter cells formed हो रहे हैं, नए childs आ रहे हैं, that is known as asexual reproduction। अब जहाँ पर भी asexual reproduction होता है class, वहाँ पर आपके जो informations हैं, जो आपके मिक्सिंग होते हैं, लाइक आपने सुना होगा आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं कि आपकी आईज़ आपके फादर से मिलती है, आपकी नोज आपकी मदर से मिलती है। सो यहाँ पे दोनों के करेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर आ गए। फाइन, जो करेक्टरिस्टिक्स आए हैं दैट इज़ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ओके, बट जहाँ पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, आइदर मदर और फादर, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिक्स ही नहीं हो रही है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दोनों पेरेंट्स से तो आई नहीं, एक सही है। So that means there is no mixing of genetic information in asexual reproduction. Example, birds in Hydra. Now, we have types of asexual reproduction. हमारे पास बहुत सारे types होते हैं asexual reproduction के. The first is fission, second is fragmentation, budding, vegetative propagation, regeneration or spore formation. In this video, we will do only fission part. So in fission, we have two types of fission, that is binary fission and मल्टीपल फ्यूजन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी फ्यूजन? द वर्ड बाइनरी, बाइनरी कंप्यूटर की लैंग्वेज है, उसमें क्या होता है, जीरो और वन की लैंग्वेज रीड करते हैं। फाइन, तो दो की ही लैंग्वेज रीड कर पा रहा है ना कंप्यूटर। तो बाइनरी का मतलब होता है जहाँ पर एक सिंगल पेरेंट दो डॉटर्स में डिवाइड हो जाए, दो ऑफस्प्रिंग्स में डिवाइड हो जाए, दैट इज नोन एज बाइनरी। ओके, फ्यूजन ब्रेक डाउन, ठीक है। सो एक पेरेंट अगर दो में डिवाइड हुआ, that is known as binary fission. So it is a type of asexual reproduction in which a single celled organism divides into two. ऐसा process जिसमें single celled organism दो में divide होता है, it is known as binary fission. अब इसमें होता क्या है actual में, जो आपका nucleus है वो divide करता है, पहले nucleus divide करेगा, फिर celled organelles divide करेंगे, एंड देन फाइनली आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, एंड देन उसके बाद अल्टीमेटली आपका वो सब कुछ डिवाइड होने के बाद दो डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएंगी। दस टू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन पेरेंट सेल। एग्जाम्पल इज योर अमीबा। नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम, आपका सिंगल पेरेंट था, ओके, सो बाइनरी फ्यूजन कैन बी सीन इन अमीबा। दिस इज योर पेरेंट सेल, दिस इज योर न्यूक्लियस, ये आपके सेल ऑर्गेनेल्स हैं कुछ जो, और ये आपका साइटोप्लाज्म है। फाइन, अब क्या होगा, सबसे पहले ये न्यूक्लियस इलोंगेट करेगा, यू कैन सी कि ये न्यूक्लियस बढ़ रहा है यहाँ पे एंड स्ट्रेच हो रहा है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ मूव कर रही है।
अब सेल मेम्ब्रेन मूव कर गया और ये न्यूक्लियस आगे जाके दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया। फाइन, जब ये न्यूक्लियस आगे जाके दो न्यूक्लियस में डिवाइड हुआ और धीरे धीरे सेल अंदर की तरफ और ज़्यादा शिफ्ट करे, अब क्या होगा, अल्टीमेटली ये और ज़्यादा अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा और शिफ्ट करते करते कि यहाँ पे एक लाइन फॉर्मेशन हो जाएगी। ये लाइन फॉर्मेशन हो गया एंड अल्टीमेटली आपके दो डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, वन एंड द सेकेंड वन। सो दिस इज नोन एज बाइनरी फिशन। तो यू कैन सी कि एक से आपके दो बन गए हैं। सो दिस इज नोन एज बाइनरी फिशन एंड इट कैन बी सीन इन अमीबा। सो अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन विच इज डिवाइडिंग इंटू टू सेल्स इफ वन पेरेंट। नाउ अगर एक पेरेंट से दो सेल्स बने तो बाइनरी, बट ऐसा भी होता है फ्यूजन में क्लास कि वहाँ पे एक पेरेंट से बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, डॉटर्स बन जाते हैं, दे आर नोन एज मल्टीपल फ्यूजन्स। नाउ सी, मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जहाँ पे एक से ज़्यादा दो डॉटर सेल्स बनती हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम, नाउ सी ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका सेल बॉडी, ये आपका पेरेंट सेल है, ये आउटर कवरिंग है। फाइन, इसका रोल अभी बताते हैं हम आपको। अब अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ये न्यूक्लियस डिवाइड करता जा रहा है और बहुत सारे डॉटर सेल्स फॉर्म हो गए। यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे डॉटर सेल्स फॉर्म हो गए, बट इस डॉटर सेल को भी हमने रिलीज नहीं किया, इसके पास एक आउटर कवरिंग है। ये आउटर कवरिंग क्या करती है क्लास, इसको अनफेवरेबल कंडीशन, लाइक अभी बहुत ठंड हो रही है तो मम्मा क्या कहती है, ठंड में बाहर नहीं जाना अभी आपको, सेम। तो अगर इनके पास कंडीशन सेफ सेफ नहीं है तो इनको बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलती, तो इनके पास एक आउटर कवरिंग फॉर्म हो जाती है एंड दिस आउटर कवरिंग इज नोन एज सिस्ट। दिस इज नोन एज सिस्ट, ओके। सो जैसे ही आपकी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, ये वाली आउटर कवरिंग ब्रेक कर जाएंगी एंड डॉटर सेल्स फ्री हो जाएंगे। तो एक टाइम पे कितने सारे डॉटर सेल्स फॉर्म हो गए हैं, सो दिस इज नोन एज मल्टीपल फ्यूजन। सो मल्टीपल फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच इंस्टेड ऑफ टू डॉटर सेल्स मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल। इन दिस द न्यूक्लियस अंडरगोज रिपीटेड डिविजन्स टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ईच न्यूक्लियस अलॉन्ग विद अ लिटिल बिट ऑफ साइटोप्लाज्म फॉर्म्स अ मेम्ब्रेन अराउंड इट दैट प्रोटेक्ट्स द सेल इन अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल मीन्स कि ऐसी कंडीशंस जो आपके लिए सही नहीं है, एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, ओके। सो आई होप इन दिस वीडियो बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन इज क्लियर टू यू एंड क्लास प्लीज ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ ऑल दिस बिकॉज विदाउट डायग्राम दिस चैप्टर कैन नॉट बी अंडरस्टैंडेबल, ओके। नाउ सो व्हाट वी हैव स्टडीड इज रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। सो That's all for today. Thank you and have a nice day. And if you have any doubt regarding this, you can contact me. That's all for today. Thank you.